विनोद खन्ना का, जैसे मैं कह रहा हूँ, समानताएं रही हैं बहुत, कि हम दोनों करीब करीब, थोड़े मुझसे सीनियर थे फिल्मों में, लेकिन करीब करीब उसी वक्त पे हम लोग आए, जैसा आपने कहा, कंटेम्प्रेरी। और ये वर्ली क्रिमेटोरियम की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पहुँच गई है, यानी विनोद खन्ना का पार्थिव शरीर यहाँ आ गया है और कई बॉलीवुड की हस्तियाँ, कई बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। ऋषि कपूर, गुलजार, गीतकार गुलजार यहाँ पर हैं, दिया मिर्ज़ा यहाँ पर हैं। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी और यासिर उस्मान दोनों यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, विनोद खन्ना का आखिरी सफ़र वर्ली शमशान से तस्वीरें हैं। गीतकार गुलजार से लेकर ऋषि कपूर तक सभी लोग जिन्होंने किसी ना किसी वक्त पर उनके साथ काम किया या उनके अभिनय से प्रेरणा ली, वो यहाँ मौजूद हैं सर। बिल्कुल, गुलजार का तो उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ उन्होंने मेरे अपने, अचानक और लेकिन जैसी कई खूबसूरत फिल्में की हैं, और उन्हीं फिल्मों के कारण शुरुआती दौर में विनोद खन्ना की एक अभिनेता के रूप में बहुत अच्छी पहचान बनी। ऋषि कपूर के साथ भी जब वो अपने संन्यास के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की, तो चांदनी जैसी बहुत खूबसूरत फिल्म की यश चोपड़ा के साथ, तो उनके साथ भी उनका बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। तो बहुत बातें याद आती हैं विनोद खन्ना को देखते हुए। उनके साथ जब भी मुलाकात होती थी, उनमें एक अलग तरह का जोश था। उनकी उम्र उन्हें नहीं झलकती थी, हमेशा जोशीले दिखते थे। जब राजनीति में आए तब भी ये चर्चा चली थी, वो कहते थे गुरदासपुर को, एक खबर आई थी कि गुरदासपुर को पेरिस बना दूंगा। तो मैं उनसे पूछता था कि आपने कहा था गुरदासपुर को पेरिस बना दूंगा, तो कहते थे नहीं, ये लोग ऐसी बातें लिख देते हैं, पेरिस तो नहीं बनाऊंगा लेकिन गुरदासपुर को एक खूबसूरत शहर जरूर बना दूंगा। तो देखिए, वो वहाँ से 4 बार सांसद रहे, सिर्फ एक बार हारे, और उन्होंने वहाँ इतने काम किए, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने स्टेडियम बनाए, उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो चीज़ हम लगातार प्रदीप जी सुबह से ही जिससे भी बात कर रहे हैं सुन रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रदीप जी, इसमें जिन लोगों को देख रहे हैं जरा उनके बारे में बताइए। डैनी डैनजोंगपा को हम देख पा रहे हैं और सुभाष घई भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो लोग हैं, इनका किस तरह का एसोसिएशन रहा है विनोद खन्ना के साथ? देखिए, विनोद खन्ना का क्या था, सभी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। यही कारण था कि आप देखिए, जो आदमी 5 साल एकदम अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चला जाए तो लगता है शायद सब इससे टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो लौटे धीरे धीरे, सब जब वो बहुत बुरी तरह टूट चुके थे अपने पारिवारिक जीवन में, बहुत ही टूट चुके थे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अगर हम तस्वीरें ये देखें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में दिल में कहीं जाकर छुपती हैं, क्योंकि ये पार्थिव शरीर अभिनेता विनोद खन्ना का, अभी कबीर बेदी में आप देखिए, कबीर बेदी दिखाई दे रहे थे, उनके साथ भी कच्चे धागे उन्होंने फिल्म की और बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। प्रदीप जी, उनके पार्थिव शरीर के पीछे जिन लोगों को हम देख रहे हैं उसमें ऋषि कपूर भी हैं वहाँ पर मौजूद, जिनके साथ उन्होंने अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। अमर अकबर एंथनी पहले की, बाद में चांदनी की, चांदनी भी बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और रंजीत और गीतकार गुलजार भी दिख रहे हैं तस्वीरों में। रंजीत के साथ भी उन्होंने कारनामा फिल्म की, उनके साथ भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया था। तो उनका एक बहुत बड़ा एक कैरियर, इतना लंबा सफ़र है। आप देखिए कि उन्होंने करीब 150 फिल्में की, और 150 फिल्मों में उनकी 50 फिल्में मल्टी स्टार फिल्म थी, यानी इसमें कोई ना कोई साथ में हीरो था, लेकिन उसके बाद भी उनकी एक अलग पहचान बनी। एक ऐसे पहले अभिनेता हैं जिसने खलनायक भी बने, नायक भी बने, चरित्र भूमिकाएं भी की, लेकिन उसके बाद भी उनकी एक इमेज हमेशा एक हीरो वाली रही। आज भी हम उनको एक हीरो के रूप में याद करते हैं, जबकि पिछले समय से कई कैरेक्टर भूमिका निभा रहे थे। अभी हाल ही में उनकी इसी हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई है, एक थी रानी ऐसी भी, जिसको हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, तो उसको लेकर हेमा मालिनी से बात हो रही थी, और जो उसकी राइटर हैं, जो गुजरात की, गोवा की गवर्नर भी हैं मृदुला सिन्हा, उनसे बात हो रही थी। तो बता रही थी 4 महीने पहले ही उन्होंने एक थी रानी ऐसी भी की शूटिंग कंप्लीट की थी। जी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी बड़ा इत्तफाक है, देखिए जो उन्होंने लास्ट सीन किया था अपनी एक थी रानी ऐसी भी में, देख सकते हैं उनके बेटे राहुल खन्ना पार्थिव शरीर के साथ, बड़े बेटे हैं उनके। यासिर, तस्वीरों में अब मेरे ख्याल में ये इतनी दुखद खबर आने के बाद ये पहली बार उनके बेटे राहुल खन्ना को हम देख रहे हैं विनोद खन्ना के पार्थिव शरीर के साथ। जी, राहुल पहली बार दिखाई दिए हैं, और अभी जो और जो ये शायद बड़े बाल में हम देख रहे हैं लड़के को, ये अगर हम क्लोजअप में देखेंगे, ये उनके बेटे, छोटे बेटे साक्षी हैं। अभी तक अक्षय खन्ना नज़र नहीं आए हैं नेहा, लेकिन राहुल नज़र आ रहे हैं। कबीर बेदी सामने हैं, कबीर बेदी करीबी दोस्त थे काफ़ी विनोद खन्ना के, और जो आखिरी फिल्म थी दिलवाले, जो शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें दोनों ने 2015 में साथ काम किया था। तो ये लोग हैं, ऋषि कपूर भी नज़र आ रहे हैं, गुलजार भी हम देख सकते हैं, बहुत करीबी लोग। और हालांकि विनोद खन्ना एक्टिव नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्में नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है उनकी हैसियत जो फिल्म इंडस्ट्री में बताती है कि आज बॉलीवुड में बाहुबली 2 जो शायद इस साल की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म होगी उसका प्रीमियर होना था रात को और वो कैंसिल कर दिया गया है वो विनोद खन्ना के सम्मान में। ये बहुत बड़ी चीज है। इन्विटेशन कार्ड बढ़ चुके थे, रंजीत वहां, हाँ रंजीत भी खड़े हैं, गुलजार हैं, हाँ और मेरे ख्याल से संगीतकार भी हम दिख रहे हैं, फिल्म दिलवाले फिल्म रईस के डायरेक्टर भी हम देख सकते हैं, शायद राहुल ढोलकिया खड़े हैं पीछे, रंजीत पे कैमरा है इस वक्त क्लोजअप में हमारे, रंजीत खड़े हैं जो उनके समकालीन अभिनेता रहे हैं, बहुत फिल्मों में काम किया है विनोद खन्ना ने। रंजीत ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी कारनामा, उसके हीरो भी ये 90 के आसपास की बात है, उसके हीरो भी विनोद खन्ना थे, उन्होंने विनोद खन्ना को लेकर ही एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो हॉर्स रेस पर आधारित थी, जैकी श्रॉफ हैं और उनके साथ ऐना सिंह जो डिज़ाइनर हैं वो खड़ी हुई हैं और महर जैसिया थी पीछे मॉडल और एक्ट्रेस अर्जुन रामपाल की पत्नी। देखिए विनोद खन्ना के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी, वो अक्सर बहुत सी छोटी फिल्में कर लेते थे, किसी के साथ भी फिल्म कर लेते थे। ये जो अंतिम विदाई विनोद खन्ना को दी जा रही है उसकी ये तस्वीरें आप वर्ली क्रिमेटोरियम से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं सरोज खान भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं डैनी डंजोंगपा के साथ और पीछे फिल्मकार सुभाष घई को आप देख पा रहे हैं। आज सब भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं? कुछ को तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो उनके कंटेम्प्रेरीज भी रहे हैं, और कौन कौन आज अंतिम यात्रा में वर्ली शमशान पहुंचे? देखिए कई सारे लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, जब हम यहाँ पर मौजूद है तो बॉलीवुड के कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी पहुंच रहे हैं। ऋषि कपूर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे गुलजार है, डैनी डेंजुफा है, पुनीत इस्सर है, इसके अलावा कई सारे जो इनके परिचित है वो सारे लोग जो हमने कहा था कि यहीं पे पहुंचने वाले हैं तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो है टिप्स कंपनी के मालिक भी यहाँ पर मौजूद है, तो कई सारे जो उनका जिनके साथ संबंध आया है और काफी मशहूर थे, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अपने स्वभाव की वजह से काफी मशहूर थे विनोद खन्ना यहाँ पे, इसीलिए इतना सारा हम देख रहे हैं इस वक्त हाथ जोड़कर एक तरह से आखिरी विदाई देते हुए, जितने लोगों को हम देख पा रहे हैं इस विजुअल में हाथ जोड़कर एक तरह से विदाई दे रहे हैं विनोद खन्ना को। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वर्ली शमशान से तस्वीरें हैं। कबीर बेदी को आप इनमें देख सकते हैं, ऋषि कपूर को जिन्होंने उनके साथ फिल्म्स में काम किया है, और हाथ जोड़कर वहां पर खड़े ये सभी लोग, पार्थिव शरीर विनोद खन्ना का वहां है, उनके बेटे राहुल खन्ना इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और लगातार कई और लोगों का आना जारी है। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना हमें छोड़कर चले गए, उनकी अंतिम विदाई की ये तस्वीरें वर्ली क्रेमेटोरियम से। डैनी डंजोंगपा को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सरोज खान वहाँ पर मौजूद हैं, गीतकार गुलजार आए हैं, सुभाष घई को आप देख सकते हैं, फिल्मकार सुभाष घई, और एक शून्य सा अपने पीछे खालीपन छोड़कर गए हैं विनोद खन्ना, जिसे ये जो लोग हैं इनके चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। कईयों ने लॉन्च किया होगा विनोद खन्ना को, उनके साथ काम किया है, उनके कंटेम्प्रेरीज जो समकक्ष है वो यहाँ पर आए हैं। पिछले कुछ वक्त से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे विनोद खन्ना, 6 साल तक वो फिल्मी दुनिया से दूर रहे, लेकिन जब वापस लौटे तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में की। ये चंकी पांडे को आप देख रहे हैं, महर जैसिया को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, तो बॉलीवुड एक तरह से उमड़ पड़ा है, बावजूद इसके कि हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी फिल्म में विनोद खन्ना नहीं कर रहे थे, राजनीति में भी हालांकि वो सक्रिय थे। सुभाष घई को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, सबके चेहरे पर गम है, अपने एक साथी को, एक उम्दा कलाकार को, एक बेहतरीन इंसान को खोने का दुख है सबके मन में। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें जो कि वर्ली क्रिमेटोरियम से, वर्ली शमशान से हम आपको दिखा रहे हैं। कबीर बेदी को आप देख सकते हैं, वो विनोद खन्ना के पार्थिव शरीर के बिल्कुल नज़दीक एकदम पास वहां खड़े हुए हैं, काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते रहे वो विनोद खन्ना के। आज जब ये दुखद खबर आई तो एबीपी न्यूज़ ने कबीर बेदी से बात की थी और तब कबीर बेदी ने श्रद्धांजलि दी थी, याद किया था विनोद खन्ना को।
आज सुबह ही 11:20 पर विनोद खन्ना ने अंतिम सांस ली मुंबई के अस्पताल में। पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। उमेश, इस वक्त वहां कौन कौन लोग मौजूद हैं और अब पार्थिव शरीर क्योंकि विनोद खन्ना का क्रिमेटोरियम में आ गया है, अब आगे क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त ले जाया जा रहा है जहां पर उन पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अभिनेताओं के साथ राजनेता भी है, प्रफुल्ल पटेल है, किरीट सुमैया है, कई सारे लोग यहां पर मौजूद है। और अब जो है अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है और जो अंतिम क्रिया है वो संस्कार जो है वो अब उन पर किए जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पे पूरा बॉलीवुड, अली खान भी है यहाँ पे, तो पूरा बॉलीवुड एक तरह से यहाँ पर उमड़ पड़ा है। उनके जो बेटे हैं साक्षी, वो सबको जो है जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको सबको रिसीव कर रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं यहाँ पे सामने आकर। यहाँ पर साक्षी खन्ना जो उनके बेटे हैं, ये हरकिशनदास अस्पताल में भी हमें दिखे थे और यहाँ पर भी सभी लोगों को जो है वही यहाँ पर उनको सामने जाकर सभी लोगों से वो मिल रहे हैं। तो इस वक्त उनका जो शव है वो दाह संस्कार यहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर ले जाया गया है और जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं वो उन्हें फूल अर्पण कर रहे हैं, जो पुष्प अर्पण कर रहे हैं। कुछ जैसे हमने कहा कि यहाँ पे राजनेता भी आए हैं, प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ पर मौजूद है, किरीट सुमैया भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और एक भीड़ है पीछे, कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और बाकी के लोग जो है पीछे की तरफ, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। एक तरह से बॉलीवुड पूरा उमड़ पड़ा है यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए विनोद खन्ना के। जैसे हमने कहा था कि वो उनके स्वभाव की वजह से काफी मशहूर थे। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, प्रदीप सरदाना जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कौन कौन इस भीड़ में यहाँ पहुंचे हैं विनोद खन्ना के अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए। अभी रणधीर कपूर भी दिखाई दिए, वो भी इसके अंदर आए हैं। रमेश तौनारी दिखाई दिए, वो भी अभी आए हैं और शायद इनके ठाकरे के बेटे भी अभी दिखाई दिए हैं। ये लोग आ रहे हैं, इसके अंदर राजनीति के लोग भी आ रहे हैं, फिल्मों के लोग भी आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन हालांकि दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि उनके बड़े अच्छे संबंध थे, या तो वो बॉम्बे से बाहर हैं नहीं तो शायद अभी आते होंगे। वो भी सभी जगह पहुंचते हैं और काफ़ी पीड़ादायक होगा ये उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने उनको उनके अभिनय की वजह से जाना नहीं रहे विनोद खन्ना। ये दो तस्वीरें आपके सामने जो हमने दिखाई, यासिर भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, जिस वॉक ऑफ लाइफ से, यानी जिस क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो फिल्मकार हों, गीतकार हों, सरोज खान हों, प्रफुल्ल पटेल हों, सुभाष घई हों, किरीट सुमैया हों, ये विनोद खन्ना के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है? ये व्यक्तित्व के बारे में ये बताता है नेहा कि जितने पॉपुलर थे फिल्मों में एक्टिव ना होने के बावजूद वो कमाल था। बॉलीवुड में अगर आप जाएंगे और नए निर्माताओं से बात करेंगे तो विनोद खन्ना के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि जिसका कोई नहीं है उसका विनोद खन्ना है। इसका एक लाइन में मतलब ये था कि बहुत से निर्माता हैं छोटे जो फिल्में बनाना चाहते हैं और कोई भी बड़ा नाम उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता, वो विनोद खन्ना से जाके मिलते थे और विनोद खन्ना बिना कुछ ज़्यादा बात किए कि वो कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कैसी फिल्म बनाएंगे, वो उनकी फिल्म साइन कर लेते थे और वो एकदम से फिल्म में बड़ा नाम आ जाता था। ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं जो इस तरह से विनोद खन्ना ने जिनको फायदा पहुंचा है। अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं सरोज खान वहां हैं, दिया मिर्जा हैं, कुछ बात भी करती हुई वो सुभाष घई से। और ख़ास तौर पे हम अगर सुभाष घई को देखें तो वो बड़े खोए हुए लग रहे हैं, जाहिर है खालीपन छोड़ गए हैं। साथ में दोनों ने कभी काम नहीं किया लेकिन दोनों करीबी दोस्त थे और कुछ दिन पहले ही सुभाष घई का एक इंटरव्यू आया था जिसमें बल्कि वो कह रहे थे कि जब वो अभिनय के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो पहले अभिनेता बनना चाहते थे और उस वक्त वो समकालीन ही थे विनोद खन्ना भी उस वक्त, और अमिताभ बच्चन हम देख सकते हैं विनोद खन्ना के सबसे बड़े और सबसे कामयाब जोड़ीदार अमिताभ बच्चन और उनके साथ अभिषेक बच्चन को इन तस्वीरों में
हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन अपने सुपुत्र अभिषेक बच्चन के साथ वहां पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन जिनका बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है विनोद खन्ना के साथ, एक तरह से कंटेम्प्रेरी तो दोनों थे ही, अमिताभ बच्चन की टक्कर का एक वक्त में विनोद खन्ना को माना जाता था। अमर अकबर एंथनी में अमर का किरदार अगर विनोद खन्ना ने निभाया तो एंथनी के किरदार में अमिताभ बच्चन चमके थे। आज दिन में एबीपी न्यूज़ पर हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि किसी प्रमोशनल इवेंट के लिए वो कोई इंटरव्यू दे रहे थे अमिताभ बच्चन, लेकिन जैसे ही खबर उन्होंने सुनी अपना ये इंटरव्यू उन्होंने रोका और उसके बाद वो हालचाल लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। और अब यहां आप देख सकते हैं वर्ली क्रेमेटोरियम पर अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं अपने बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ। यासर नेहा सबसे ज्यादा जोड़ी जो मशहूर हुई वो अमिताभ बच्चन के साथ हुई। हेरा फेरी, खून पसीना, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, जमीर, इतनी फिल्म इन्होंने साथ की। सबसे मशहूर जोड़ी थी वो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की थी। और यासर ये लम्हा जो है बहुत बहुत ही भारी एक तरह से है, बोझिल ये, लेकिन अमिताभ बच्चन का जिस तरह का याराना या क्लोज एसोसिएशन रही है उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी ये होगी इस वक्त। बिल्कुल मुश्किल घड़ी है नेहा, क्योंकि आपके साथ के लोग, आपके दोस्त, आपके समकालीन अभिनेता जब इस तरह जाने लगते हैं तो झटका तो है ही। अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले किसी और अभिनेता की डेथ हुई थी तो ये कहा था कि जो मेरे साथ वाले लोग हैं वो अब एक एक कर कर जाने लगे हैं, और बड़ी फिलोसॉफिकल एक पोस्ट लिखी थी। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात चल रही होगी कि ये जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, जो जोड़ी अमिताभ और विनोद खन्ना की कामयाबी की गारंटी थी लेट 70s और अर्ली 80s में, वो उसका एक जोड़ीदार उनका चला गया। और बहुत बहुत करीबी कमाल की फिल्में हैं, सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हैं, मतलब कोई छोटी मोटी हिट फिल्में नहीं हैं। अमर अकबर एंथनी हो, खून पसीना हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, ये सब डायमंड जुबली फिल्म्स थी। और वो पूरा दशक के अगर 10 फिल्में देखी जाएंगी तो इनकी 3-4 फिल्में सिर्फ अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की आएंगी, तो एक कमाल की कामयाबी थी। और हालांकि जब विनोद खन्ना छोड़ गए, ओशो आश्रम में चले गए, तो ये साथ टूट गया। और जब बाद में आके राजनीति में गए विनोद खन्ना तो शायद मिलना जुलना कम हो गया था, विनोद दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब भी इंटरव्यूज़ में उन फिल्मों की बात हुई हमेशा विनोद की तारीफ़ करते रहे, ख़ास तौर पर उनके व्यक्तित्व की, कि किस तरह वो जेंटलमैन रहे आखिरी दम तक। और कहीं ना कहीं यही सब बातें जहन में चल रही होंगी जो भी लोग आज आए हुए हैं। कबीर बेदी बहुत करीबी दोस्त थे, वो शुरुआत से हम देख रहे हैं वो रहे होंगे। अमिताभ बच्चन को हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को लेकर, कि मैंने अमिताभ बच्चन पर कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया, सब उनके पीछे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने जब मेरा आर्टिकल पढ़ा तो मुझसे कहते हैं सब गलत लिखा आपने। मैं क्यों गलत क्यों लिखा है, कहता मुझसे आगे तो बहुत लोग हैं। मैं साहब एक नाम बताइए जो आपसे आगे हो, कहते विनोद खन्ना। मैं वो कैसे, कह देखिए वो केंद्रीय मंत्री बन गए, मैं तो यहीं पर बैठा हुआ। जी, वो इस तरह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। प्रदीप जी माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ मैं, लेकिन अक्षय खन्ना पहुंचे हैं यहाँ पर। अक्षय खन्ना उनके बेटे, उनका भी इंतजार हो रहा था, राहुल खन्ना और जो विनोद खन्ना की दूसरी बीवी हैं कविता, वो तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब आप अक्षय खन्ना को देख सकते हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा ये वक्त, और शायद उनके परिवार से ज़्यादा इस दुख को कोई भी नहीं समझ सकता होगा। उनके दूसरे बेटे अक्षय खन्ना पहुँचे हैं। यासर अक्षय खन्ना, अभी थोड़ी देर पहले जब हम तस्वीरें देख रहे थे, राहुल खन्ना को देख रहे थे, तब यही कह रहे थे कि अक्षय खन्ना का भी इंतजार यहाँ पर, और अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं चंकी पांडे को गले लगाते हुए। हाँ, पहली बार अक्षय दिखाई दिए अभी सुबह से लेके अब तक। राहुल को हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं और अक्षय अब पहली बार नज़र आ रहे हैं। अक्षय को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था हिमालय पुत्र के साथ, और अक्षय वो मकाम हासिल नहीं कर पाए, हालांकि स्टार रहे काफ़ी वक्त तक, लेकिन जो विनोद खन्ना की ऊंचाइयां थी वो नहीं छू सके। और आज चले गए हैं विनोद खन्ना, और वो जो गम है उसको उनके बेटे ही समझ सकते हैं, उनका परिवार ही समझ सकता है। और अंतिम संस्कार में कुछ ही समय रह गया है। फिल्म इंडस्ट्री से लगातार हम देख रहे हैं पीछे रणधीर कपूर खड़े हुए हैं, रणधीर कपूर के साथ भी विनोद खन्ना ने काम किया है, और अमिताभ और अभिषेक को हमने कुछ देर पहले देखा। लेकिन यासिर वो अक्षय खन्ना की तारीफ बहुत करते थे विनोद खन्ना, वो कहते थे बहुत अच्छा कलाकार है और अपने अभिनय में 10 गुना जान फूंक देता है, और उसकी खास तौर से नच बलिए और बहुत सी फिल्मों की वो कहते थे बहुत आ जाए चले, और इस तरह की बहुत फिल्मों की बड़ी तारीफ करते थे। दिल चाहता है, कहते बहुत अच्छा काम किया है अक्षय ने, लेकिन ये और बात है कि वो आगे उतना नहीं जा पाए जितना विनोद खन्ना गए। और अमिताभ और अभिषेक इस वक्त हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें
आज अमिताभ को मीडिया को अपने इंटरव्यूज देने थे नेहा, बहुत एक नई फिल्म आ रही है अमिताभ की, उसके सिलसिले में वो सारा उन्होंने इवेंट जैसे ही उनको खबर मिली फौरन कैंसिल कर दिया और फौरन यहाँ पर आए हैं अपने सबसे करीबी दोस्त जो उस दौर के रहे थे, क्योंकि एक फिल्मी एसोसिएशन के साथ साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता भी विनोद खन्ना के साथ, और आज एक बड़ा खालीपन विनोद खन्ना छोड़कर गए हैं। तस्वीरें वर्ली शमशान घाट से हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आम क्या खास, सभी बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंची हैं, वो राजनीति से भी आती हैं, वो फिल्म क्षेत्र से भी आती हैं, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना भी यहाँ मौजूद हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।